Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel Medicure Buddy. In today's video, we are going to discuss another topic of forensic medicine and toxicology, and that is infanticide, which is also known as infant death. ठीक है, infant death के सबसे पहले हम कुछ natural causes को discuss कर लेते हैं. So कोई छोटा बेबी है, उसकी अगर डेथ हो जाती है तो वो क्यों हो सकती है? या तो वो इन्फेंट प्रीमेच्योर रहा हो, उसमें कोई कंजेनाइटल मैलफॉर्मेशन रहा हो, ठीक है, ड्यूरिंग बर्थ उसको चोट लग गई हो, बर्थ ट्रॉमा की वजह से ऐसा हो सकता है, ठीक है, एस्फिक्सिया की वजह से हो सकता है कि उसको प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन ना मिला हो, ठीक है, कोई इन्फेक्शन हो गया हो, एबीओ या आरएच इनकम्पैटिबिलिटी हो, ठीक है, पोस्ट मैच्योरिटी, अगर कोई यूट्रस में ही फीटस जो है वो पोस्ट मैच्योर हो गया है, ठीक है, प्लेसेंटा का जल्दी सेपरेशन हो गया तो प्रॉपर अमाउंट में ब्लड न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे फीटस को, ठीक है, प्री क्लैम्पशिया हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, उसकी वजह से ऐसा हो सकता है. एंड सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम कैन ऑल्सो बी अ नेचुरल कॉज, ठीक है. तो दीज वर द फ्यू ऑफ द नेचुरल कॉज जिसकी वजह से इन्फेंट डेथ हो सकती है, ठीक है. नाउ हियर वी हैव अ फ्लो चार्ट विच इज डिपिक्टिंग द कॉज ऑफ इन्फेंट डेथ, ठीक है. कॉज ऑफ डेथ में पहला है नेचुरल कॉज, जिसके बारे में हमने बहुत सारी डिस्कशन कर ली है. नाउ लेट्स मूव ऑन एंड डिस्कस द अननेचुरल कॉजेस. तो अननेचुरल कॉजेस एक्सीडेंटल हो सकते हैं, ठीक है, जो कि पेरीनेटल या आफ्टर बर्थ हो सकते हैं. क्रिमिनल कॉजेस हो सकते हैं, जैसे कोई फीटस का कमीशन या एक्ट ऑफ ओमिशन की वजह से डेथ हो गई हो, ठीक है. नाउ दैट वी आर डन, लेट्स डिस्कस द अननेचुरल कॉजेस. हमने यहाँ पर नेचुरल कॉजेस डिस्कस कर लिए हैं. आई होप दैट आप इन नेचुरल कॉजेस को आराम से इलाबोरेट करके एग्जामिनेशन में लिख सकते हो. मूविंग ऑन टू द अननेचुरल कॉजेस, सबसे पहला है एक्सीडेंटल कॉज, ठीक है. मदर को किसी भी टाइप की इंजरी हो गई, मदर का प्रोलॉन्ग लेबर हो गया, उसकी वजह से ऐसा हो सकता है, ठीक है. जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसमें प्रोलैप्स हो गया, कॉर्ड ट्विस्ट कर गई नेक के अराउंड फीटस की, जिसकी वजह से उसको फंदा लग गया और उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई, या फिर मदर की डेथ होगी तो साइमल्टेनियसली जो फीटस है उसकी भी डेथ हो जाएगी, ठीक है. तो दीज वर द प्रीनेटल कॉजेस. पोस्टनेटल कॉजेस की अगर हम बात करें तो सफोकेशन हो सकता है, लेबर प्रेसिपिटेट अगर हो जाए तो उसकी वजह से ऐसा हो सकता है, ठीक है. क्रिमिनल कॉजेस की अगर हम बात करें तो कई बार ऐसा होता है कि एक्ट्स ऑफ कमीशन, ठीक है, उसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि पॉजिटिवली कुछ जानबूझकर कुछ ऐसी चीजें की जाए जिसकी वजह से फीटस की डेथ हो जाए. तो ये सारे वो कॉजेस हैं, स्ट्रैंगुलेशन, पॉइजनिंग, स्मॉदरिंग, हेड इंजरी दी जाए, ठीक है, या फिर ट्विस्टिंग ऑफ नेक. अगर हम एक्ट ऑफ ओमिशन की अगर हम बात करें तो क्या लिखा हुआ है, अगर फेलियर हो जाए इन सारी चीजों में, क्या प्रॉपर असिस्टेंट ना हो लेबर का, ठीक है, एयर पैसेजेस प्रॉपरली क्लीन ना हुए हो, कॉर्ड को टाई किया गया हो, ना किया गया हो प्रॉपरली आफ्टर बीइंग कट, मतलब अम्बिलिकल कॉर्ड को, ठीक है. उसके अलावा एक्सपोजर हो जाए हीट या कोल्ड से, या फिर चाइल्ड को सप्लाई किया जाए प्रॉपर फूड से, तो इन सारी कंडीशंस में हमें ये चीज देखने को मिल सकती है, ठीक है. सो फ्रेंड्स, दिस इज इट अबाउट टुडेस सेशन इन विच वी हैव डिस्कस्ड इन्फेंटिसाइड. इन्फेंटिसाइड क्या होता है वो हमने डिस्कस किया. वी हैव डिस्कस्ड इट्स कॉजेस. कॉजेस में भी नेचुरल और एक्सीडेंटल कॉजेस क्या है वो हमने डिस्कस किए. पेरीनेटल एंड पोस्टनेटल कॉजेस भी हमने डिस्कस कर लिए हैं. एंड किस तरीके से क्रिमिनल इन्फेंटिसाइड किया जाता है अगर एक्ट ऑफ कमीशन या एक्ट ऑफ ओमिशन हो तो, ठीक है. सो फ्रेंड्स, दिस इज इट अबाउट टुडे सेशन. आई होप यू हैव एंजॉयड इट. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. इस वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स और बैचमेट्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा. थैंक यू.